भैया मित्र कौन है? अरे भैया बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कुंदन की बहन मुन्नी का खून हो गया। क्या खून हो गया भैया? और कुंदन आपको बुलाया, बहुत जल्दी चलिए। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। कीजिए भैया। हेलो, हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ कहिए ठाकुर साहब, क्या बात? कुंदन के घर आप तत्काल पहुंचे और मैं भी आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। चलिए भाई। ठाकुर साहब क्या बात? पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम छोड़कर हमें बहुत दूर चली गई। नारायण, किससे मेरी दुश्मनी थी? जिसने बदला मुझसे नहीं, मेरी मुन्नी से लिया है। सर, दो डिब्बी सिगरेट। हम दोनों सिपाही जा रहे हैं मकान की तलाशी लेंगे। हो सकता है कि कोई सबूत मिल जाए। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, घर की तलाशी चप्पा चप्पा छानो, कोई सबूत कोई निशानी है। भाई कुंदन, सब से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। पाएगा जालिम और किस भी तरह जिस पर शंका है मुझसे कोई सबूत? ठाकुर साहब, चप्पा चप्पा छान मारा है, पूरे घर की तलाशी ले लिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तो जिस तरह भी हो और खोज चलती ही तेरे मेरी जागीर में, ये प्रथम बार है वाकया दूसरा। इंस्पेक्टर साहब जी, कुछ भी हो, कुंदन की बहन के कातिल का पता आप बहुत जल्द लगाए। ठाकुर साहब, लेकिन एक चीज पर मुझे और शंका हो रही है। कौन सी चीज है? आपका ख्याल जगदेव सिंह के बारे में क्या है? हो हाँ ठाकुर साहब, मैंने सुना है जगदेव सिंह आजकल शहर में रह रहा है। शहर में? जी हाँ।
वो भी आपके छोटे भाई के साथ। मेरे छोटे भाई के साथ जी। लेकिन आप मुझे भी मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब कि जगदेव सिंह को सजा कुंदन की गवाही से ही हुई थी, इसलिए हमें उसके ऊपर शंका हो गई। ठाकुर साहब, मैं ये सब दूर कर दूंगा, कातिल कहीं भी छुपा हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। नहीं चुके आपसे हमारी यही इल्तिजा है। सिपाहियों लाश को ले चलो पोस्टमार्टम। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, आती होगी। या भगवान, जब से मेरा छोटा बेटा विजय शहर में पढ़ाई करने चला गया, ये हवेली मुझे सुनी सुनी लगती है। पूरा बिछावा जाएगा मेरे प्रिय बंधु, ये हवेली मेरी सुनी ना होती, लेकिन आज की विश्व बस पहले आज लग गई थी उसी अपनी कांड में। तो का बस हो जाता विक्रम के बीवी बच्चे जाकर रात हो गई, विजय भी जल जाता, लेकिन विक्रम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर विजय की जान बचाई। और विजय के लिए मेरे बड़े बेटे विक्रम ने अपनी शादी भी नहीं की। कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं अकेला हवेली में रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। दादाजी। हाँ बेटा। क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा विक्रम, जब से विजय शहर चला गया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ये हवेली सुनी सुनी लगती है। यही इच्छा कहती है विजय को कितनी जल्दी देख लूं बेटा, कुछ सुहाता नहीं है। अरे दादाजी, मेरा भाई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, आप इतने उतावले हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप मेरी एक बात मानिए, आप भी चलकर विजय के साथ कॉलेज में दाखिल हो जाएंगे। अरे पगले, क्यों मजाक करता है, इस उम्र में तो प्रिंसिपल ही साहब हो जाता है। तो आप मेरी दूसरी बात मानिए। वो कौन सी बात है? विजय की शादी कर दीजिए, इम्तिहान खत्म होते उसकी शादी कर दीजिए। ठीक है बेटा विक्रम, इम्तिहान खत्म होते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। हाँ दादाजी, क्योंकि हमें भी ये हवेली उस खाली खाली से रखती है। हाँ बेटा, आइए चलिए, ज्यादा परेशान मत होइए। हेलो, ये हमारे माननीय जमुना भाई मझौवा से 111 रुपए माता जी के नाम पर प्रदान किए हैं, धन्यवाद। वाह भाई,